नए संसद भवन को लेकर तमाम लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको बता दें कि संसद का वर्तमान भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था, जो अब लगभग 100 साल पुराना होने जा रहा है। इसके दोनों सदनों में सांसदों के बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था का भी अभाव था। इस स्थिति को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों ने 5 अगस्त 2019 को सरकार से संसद के नए भवन के निर्माण का आग्रह किया। इसके बाद 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन का शिलान्यास किया। नए संसद भवन की कुछ खासियतें हैं। दरअसल पुरानी संसद की बात करें तो इसका आकार गोल है, जबकि नए संसद भवन को तिकोने आकार में डिजाइन किया गया है। अभी लोकसभा में 590 और राज्यसभा में 280 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है, जबकि नए संसद भवन की बात करें तो लोकसभा में 888 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम है। वहीं नई राज्यसभा में 384 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। दोनों सदनों के ज्वाइंट सेशन के वक्त लोकसभा में ही 1272 से ज्यादा सांसद एक साथ बैठ सकते हैं। नए संसद भवन में अहम कामकाज के लिए अलग ऑफिस बनाए गए हैं, जो हाईटेक सुविधाओं से लैस हैं। कैफे, डाइनिंग एरिया, कमेटी मीटिंग के तमाम कमरों में भी हाईटेक इक्विपमेंट लगाए गए हैं। कॉमन रूम्स, महिलाओं के लिए लाउंज और वीआईपी लाउंज की भी व्यवस्था की गई है। नई संसद की सबसे बड़ी विशेषता संविधान हॉल है। ये भवन के बीचों बीच बना हुआ है। इसके ऊपर अशोक स्तंभ लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि इस हॉल में संविधान की कॉपी रखी जाएगी। साथ ही महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, देश के प्रधानमंत्रियों की बड़ी तस्वीरें भी लगाई जाएंगी। बता दें कि नई संसद केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसका निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। इसे बनाने का टेंडर टाटा प्रोजेक्ट को साल 2020 के सितंबर में दिया गया था। नए संसद भवन के आर्किटेक्ट विमल पटेल हैं। साल 2019 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा जा चुका है।